by taking them back to Lord Krishna's lotus feet. I'd like to request Bharati Lavikar to express. सिस्को में उसके बाद में आज पूरे विश्व में रथयात्रा मनाई जा रही है। रथयात्रा का एकमात्र लक्ष्य यही है कि भगवान का दर्शन सब लोगों को कराया जाए जो घर से बाहर नहीं आ सकते हैं। ये भगवान जगन्नाथ का स्पेशल कृपा है। जगन्नाथपुरी मंदिर में केवल हिंदू लोग ही अलाउ हैं, अन्य सब नहीं। भगवान ने कहा कि सब हमारे ही प्राणी हैं, सब हमारे ही अंश हैं, ये हम लोग बांट करके रखे हैं। इसलिए भगवान बाहर आते हैं रथ पर विराजमान होकर, सब लोग उनका दर्शन कर सकें, वयोवृद्ध स्त्री बच्चे सब लोग, और इस प्रकार से जगन्नाथ का कृपा प्राप्त कर करके और शांति को प्राप्त करें। बॉम्बे मुंबई
शिवाजी की जो रथ यात्रा है बड़ा ही फेमस रथ यात्रा है, शुरू हमने किया था शिवाजी पार्क से। हम लोग गए थे गिरगांव चौपाटी, उसके बाद मेट्रो से पूरा कालवा देवी होते हुए हम लोग क्रॉस मनाते थे, लेकिन अब हम लोग अपने एरिया में मना रहे हैं। होपफुली देखते हैं और क्या होता है। ऐसे बॉम्बे में कई एक रथ यात्राएँ मनाई जाती हैं हर एक साल। चौपाटी में मनाया जाता है, अपना मंदिर है वहाँ पर, बलून मनाया जाता है, मीरा रोड मनाया जाता है, जुहू मनाया जाता है, खारघर मनाया जाता है, तो सब जगह रथ यात्रा मनाई जा रही है। और हम चाहते हैं कि लोग रथ यात्रा में भाग लें, भगवान का प्रसाद खाएं और अपना जीवन सुख और शांतिमय तरह से बिताएं। और वैदिक संस्कृति जिसको डे बाय डे हम भूलते जा रहे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, पहले बच्चे जो थे बाप माँ का आदेश पालन करते थे, सुनते थे, आज 15 साल के बाद बच्चे लोग बाप माँ पर डाउट करते हैं। 20 साल पर बाप माँ से कहते हैं मैं जानता हूँ, 25 साल पर कहते हैं आप आउटडेटेड हो, मैं सब जानता हूँ। हमारी संस्कृति गिरती जा रही है। ये रथ यात्रा संस्कृति का धरोहर है, तो मैं सब मीडिया वालों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग इस धरोहर को दे रहे हैं उन लोगों को जिनका ये संपत्ति है अपने माध्यम से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये प्रश्न पूछने का आपको मालूम हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ ये तीनों रथों को आप देखेंगे लगभग 50 सिक्योरिटी हम लोगों ने रखा हुआ है। रास्ते में जब रथ चलता है तो उसके चारों तरफ हमने विशेष प्रकार का रस्सी रखा हुआ है कि कोई भी अनजाने में भी उस रथ के पहिए के पास नहीं जाना चाहिए। हमने पूरा रस्सी बांधा हुआ चारों तरफ। और उसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं जो सब लोगों को गाइड करते हैं कि कृपा करके व्हील्स के पास में ना आए, क्योंकि हर रथ में चार व्हील्स हैं, हर रथ में चार व्हील्स हैं, दैट मीन तीनों हो गए ऑलमोस्ट अबाउट 12 व्हील्स। तो 12 व्हील्स को गार्ड करने के लिए लगभग हमारे 50 सिक्योरिटी आप अभी देखेंगे चलने से पहले, ताकि कोई भी व्यक्ति अनायास से भी उसके पास नहीं आए। और यहाँ पर आप सरप्राइज होंगे कि अगर कहीं पे भी किसी व्यक्ति को भी थोड़ा सा अगर कुछ किंचित मात्र भी थोड़ी सी हानि पहुँचती है तो हमारा स्पेशल इंश्योरेंस उस कार्यक्रम के लिए उसको रखा हुआ। ये सब चार पांच चीज़ें हैं, बाकी सब ठाकुर जी के हैं, जो हमारे लोकल हमारे पुलिस जितने भी पुलिस स्टेशन के हमारे पुलिस जितने भी भक्त हैं वो गार्ड करते हैं, और चाहे वो होशीवारा हो, चार बंगला हो, सात बंगला हो, सभी जितने भी पुलिस वर्ग और ट्रैफिक पुलिस, उनकी सहयोगता से ये संभव हो सकता है, अदरवाइज हम लोगों से संभव नहीं हो सकता। दे आर ऑल गिविंग द कंसेंट, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस एंड वी थैंक them all very much because they are all upbeat about it, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, उसको संभालने में वो लोग भी बहुत सहायता करते हैं। थैंक्स टू देम एंड ऑल द ब्लेसिंग्स। हरे कृष्ण। लक्ष्मण भक्ति कला क्षेत्र के सेक्रेटरी हैं, और ये जो आप हर्षोल्लास का जो माहौल आप देख रहे हैं यहाँ पे हजारों की तादाद पे लोग आए हुए हैं, लॉर्ड जगन्नाथ की 40वीं यात्रा हम लोग मना रहे हैं इस्कॉन जो की तरफ से, राधाराज बिहारी टेम्पल की तरफ से। और आप देख यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे चाहे वो लोकल MLA हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो आम आदमी हो, हर आदमी यहाँ पे जो है मतलब उत्साह के साथ में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हो रहा है। और जैसे आप बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मतलब हज़ारों की तादाद पे जो तीनों रथ लगे हुए हैं, और लोग रस्सी खींच के भगवान जगन्नाथ की को अपने आप पे समा रहे हैं और अपने आप को लॉर्ड जगन्नाथ के नज़दीक लेके जा रहे हैं। तो अभी आप जैसे ही भाग जाएंगे तो आप देखेंगे कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों की रथ यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है। तो भक्ति वेदांता स्कूल से पूरी हमारी रथ यात्रा है जमुना बाई नरसिंह स्कूल ग्राउंड पर जाएगी। यहाँ पर हरे कृष्ण उत्सव मनाया जाएगा शाम को, 23 तारीख शाम को, 24 तारीख शाम को। यहाँ पे हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो अपने अपना ज्ञान बांटेंगे लोगों के साथ में। ही हमारा हरे कृष्ण फेस्टिवल में रॉक फेस्टिवल है, रॉक बैंड है, जहाँ पे कि लोग मतलब कृष्ण भावना अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना इस्कॉन के रंग में रंगते हुए आपको नजर आएंगे। हरे कृष्ण। अभी अनिल डेडिया जी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ जो मुंबई की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह हमारी 40वीं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, और का
काफ़ी भक्त इसमें शामिल हुए हैं और सभी से हमारा निवेदन है कि इस भगवान के रथ को खींचे सब और अपने जीवन को सार्थक बनाएं और सभी पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, यही हमारी कामना है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबको, हमारी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन इस रथ यात्रा के उपलक्ष्य में। हरे कृष्ण।